मंडोर उद्यान में प्रवेश शुल्क बढ़ाने और मंदिर में थोक लगाने आने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क लेने सहित मथुरादास माथुर अस्पताल में स्थित अन्नपूर्णा रसोई में लाभार्थियों की संख्या कम करने के विरोध में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जी हां, आपको बता देंगे, जोधपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे रखी और ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में जेडीए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, जोधपुर से कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियाडा और महापौर नगर निगम कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक मनीष पवार सहित कांग्रेस के उत्तर और दक्षिण के अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। ज्ञापन के जरिए उन्होंने मांग की कि मथुरादास मातृ अस्पताल चिकित्सालय में संचालित अन्नपूर्णा रसोई में पूर्व में 800 लाभार्थियों को लंच और डिनर की व्यवस्था थी, लेकिन अब सरकार ने इसे आधा कर लंच और डिनर में लाभार्थियों की संख्या 400 कर दी है। उन्होंने मांग की कि इसे पूर्व की भांति फिर से 800 लाभार्थियों की करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मंडोर उद्यान में प्रवेश शुल्क ₹10 से बढ़ाकर 30 करने का विरोध जताया। साथ ही मंडोर गार्डन में स्थित धार्मिक स्थल काला गोरा भैरूजी और अन्य मंदिरों में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु हो वे बगैर शुल्क प्रवेश देने रोकने के विरोध जाहिर किया। साथ ही सुबह 8 बजे मॉर्निंग वॉक और कबूतरों को दाना डालने पर भी पाबंदी लगाने का विरोध किया। अशोक गहलोत साहब के सरकार के समय इंदिरा रसोई के नाम से जो चालू किया गया था उसके अंदर भी कटौती कर दी गई। सरकार चाहती क्या है, लोगों को जो गरीब आदमी को 8 रुपए के अंदर खाना मिल रहा था, अब उसके अंदर भी 200 लोग ही सुबह खा सकते हैं, 200 ही शाम को खा सकते हैं। अब 200 से ज्यादा भी कोई आ जाता है, अब पहले तो एक आदमी के साथ एक एक्स्ट्रा भी अगर वो थाली ले रहा था, एक थाली से अगर उसका पेट नहीं भरता था तो वो भी उसके अंदर डबल थाली भी ले सकता था, एक कोई साथ में उसके लिए भी ले सकता था। पर ये इस तरह से जो जान बूझ कर कल तो नाम चेंज किया और फिर अब ये इसमें भी कटौती करना, अब 6-6, 7-7 महीने 8-8 महीने जो इंदिरा रसोई जो चला रहे हैं उनको पेमेंट भी नहीं करना। अब पेमेंट भी जब 7 महीने का 9 महीने का पेमेंट अगर बाकी होगा तो 2 महीने का पेमेंट देंगे। अब बताओ इंदिरा रसोई जो चलाने वाला है अब उसकी क्या, तो उसकी परिवार की स्थिति है, कैसे तो वो इंदिरा रसोई चलाता है। और एक सेवा भाव से हिसाब से ये काम किया जाता, पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि वैन के अंदर कब खाना बना हुआ लोगों को पैकेट मिलते थे, अब तो बैठा के गर्मा गर्म खाना, सब्जी वगैरह, चपाती गर्मा गर्म और वो भी अचार वगैरह, चावल वगैरह सब साथ में। और आप बाकी सब्सिडी राजस्थान की सरकार, उस समय अशोक गहलोत साहब की सरकार देती थी, तो वो सब्सिडी देने का मकसद भी यही था कि लोगों को, गरीब आदमी को, आम आदमी को खाना मिले। दूसरा जो मंडोर गार्डन है, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी उस समय, अशोक गहलोत साहब के आदेश से वहां पर पैसा लगाकर उसको डेवलप किया गया और डेवलप करके और आज करीब रोज 2-3 हजार आदमी वहां पर, जो टूरिस्ट वहां जाते हैं, लोकल लोग भी जाते हैं। पर उस समय तय हुआ कि 11 बजे के बाद उसमें टिकट चालू होगा। अब 8 बजे से टिकट लेना चालू हो गए। अब सुबह लोग वॉकिंग के अंदर भी जाते हैं, वहाँ काला गोरा भैरूजी का मंदिर है तो मंदिर के अंदर भी लोग दर्शन करने जाते हैं, जो शादी वगैरह बच्चों की हो जाती है वो जात देने भी वहाँ जाते हैं, दरगाह का भी वहां पर जाने का रास्ता है। तो लोग के खाली एक उन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़ी यार इतना जल्दी कोई टूरिस्ट आता भी नहीं है, दूसरे लोग भी कोई नहीं आते, खाली लोकल लोग वहां पर जो वॉकिंग करने के लिए सुबह वो जल्दी जाते हैं, या मंदिर के दर्शन करने के लिए जो रोज लोग जो जाते हैं वो उनके लिए ये सुविधा थी। अब लोगों को, अब जब 8 बजे से लोगों को टिकट चालू कर दी, तो इस तरह के जो ये ज्ञापन आज कलेक्टर साहब को दिया गया है उम्मीद करते हैं कि उनको इसके ऊपर एक्शन होगा। अब ठेकेदार जो वहां पर उनके ठेके लिए हुए हैं वो लोग भी जब ठेके लेके और लोगों के जो जमीन है उनके आगे अतिक्रमण करके बैठ गए, खुद ठेले लगवा रहे हैं वहां पे, ये स्थिति है वहां पर। इसलिए आज जो ज्ञापन दिया गया है उसके ऊपर ये
प्रशासन का ध्यान लोकल लेवल पे वहां पर भी कार्रवाई करने का कहते हैं, पर अधिकारी सत्ता के दबाव में कार्रवाई नहीं करते। इसलिए आज प्रशासन जिला प्रशासन कलेक्टर को देने के लिए हम आए और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्शन राज्य सरकार भी लेगी और प्रशासन भी लेगा। आगे कोई रणनीति अगर कोई एक्शन नहीं होता? नहीं, ये तो रणनीति के अधीन तो जो भी हम प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर देखते हैं। आखिर ये इस तरह से थोड़ी चलता है कि भाई आप मर गए, आप 11 बजे का टिकट है तो आप 8 बजे से ले लो। ये कोई पब्लिक को रिलीफ देने के लिए है या क्या है ये?